हे दोस्तों, आप देख रहे हैं द टेक्निक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कंपैरिजन तीन नए स्मार्टफोन का, जिसमें एक का नाम है Redmi Y3, सेकंड का नाम है Realme 3 और थर्ड का नाम है Redmi Note 7। तीनों ही फोन 10,000 के नीचे के प्राइस रेंज में हमें अवेलेबल हो जाते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन मार्केट में। अगर बात करें Redmi Y3 की, तो यहाँ पर आपको 3GB 32GB वाला वेरियंट मिल जाता है 9,999 रुपये का। अगर बात करें Redmi Note 7 की, तो वो आपको 3GB 32GB के साथ सेम प्राइस मिल जाता है 9,999 रुपीज़ का। अगर बात करें Realme 3 की, तो ये फ़ोन थोड़ा सा कम प्राइस में मिलता है, 3GB 32GB वेरियंट आपको मिल जाता है 8,999 रुपये का। करेंगे तीनों फ़ोनों का कंपेरिजन डिज़ाइन, डिस्प्ले, कैमरा, परफॉर्मेंस और कुछ अदर कैटेगरीज में, और साथ ही जानने की ये कोशिश करेंगे कि कौन सी कैटेगरी में कौन सा फ़ोन ज़्यादा बेस्ट है। तो वीडियो को बिना स्किप कीजिए लास्ट तक देखिएगा, कीजिएगा आपके चैनल को सब्सक्राइब, अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को, और पहली कैटेगरी में कंपैरिजन करते हैं जो कि है डिज़ाइन कैटेगरी। Redmi Y3 के अंदर जो पैनल बैक साइड से मिलता है वो मिलता है प्लास्टिक का, और फ्रंट साइड से मिलता है आपको डॉट नॉट डिस्प्ले। यहाँ पर कॉर्डन गोल्ड ग्लास 5 का प्रोडक्शन मिलता है, वेट है 180 ग्राम का और थिकनेस है 8.5 mm की। वहीं पर बात करें Realme 3 की, तो Realme 3 के अंदर आपको बॉडी मिल जाती है पॉलीकार्बोनेट की, और यहाँ पर बैक डिज़ाइन आपको यूनिबॉडी मिलता है। फ्रंट साइड से मिलता है आपको ड्यू ड्रॉप डिज़ाइन डिस्प्ले। फोन का वेट है 175 ग्राम का, थिकनेस है 8.3 mm की। कॉर्डन गोल्ड ग्लास 3 का प्रोडक्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। वहीं पर Redmi Note 7 की बात करें, तो यहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों साइड लगा है कॉर्डन गोल्ड ग्लास 5 का प्रोडक्शन। यहाँ पर आपको वेट मिल जाता है 186 ग्राम का, और थिकनेस मिल जाती है 8.1 mm की। डिज़ाइन कैटेगरी में मैं Redmi Note 7 को बेस्ट मानूंगा, क्योंकि इसके फ्रंट और बैक साइड दोनों साइड मिलता है कॉर्डन गोल्ड ग्लास का प्रोटेक्शन। अब बात कर लेते हैं सेकंड कैटेगरी की, जो है डिस्प्ले कैटेगरी। तो डिस्प्ले कैटेगरी के अंदर Redmi Y3 के अंदर आपको मिल जाती है 6.26 इंच की डॉट नॉट डिजाइन डिस्प्ले, जो कि है HD+ रेजोल्यूशन के साथ कॉर्नर गोल्ड ग्लास 5 प्रोटेक्शन के साथ। Realme 3 के अंदर आपको ड्यू ड्रॉप डिजाइन डिस्प्ले मिल जाती है 6.22 इंच की HD+ डिस्प्ले कॉर्नर गोल्ड ग्लास 3 प्रोटेक्शन के साथ। वहीं बात करें Redmi Note 7 की, तो यहाँ पर आपको फुल HD+ डिस्प्ले मिलती है, जो कि है 6.3 इंच की कॉर्नर गोल्ड ग्लास 5 प्रोटेक्शन है। यह है डॉट नॉट डिस्प्ले। तो डिस्प्ले कैटेगरी में Redmi Note 7 फिर से बाजी मारता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पे आपको फुल HD+ का रेजोल्यूशन मिलता है, अदर में आपको ओनली HD+ का रेजोल्यूशन मिलता है। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की। तो नेक्स्ट कैटेगरी है यहाँ पर कैमरा कैटेगरी। तो कैमरा कैटेगरी की बात आती है, तो यहाँ पर आपको Redmi Y3 के अंदर कैमरा मिल जाता है बैक साइड से 12+2 मेगापिक्सल का, और फ्रंट कैमरा मिल जाता है 32 मेगापिक्सल का, जिसका अपर्चर है f2.2 का। यहाँ पर अगर आप बात करें Realme 3 की, तो यहाँ पर सेल्फी कैमरा मिलता है 13 मेगापिक्सल का, और रियर कैमरा मिलता है 13+2 मेगापिक्सल का, जिसका अपर्चर काफी शानदार है f1.8 का। इसके साथ साथ नाइट स्कोप मोड और क्रोमा पुश मोड भी आपको मिल जाते हैं। Redmi Note 7 के अंदर आपको मिलता है 12+2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा सेटअप और 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सेटअप। कैमरा कैटेगरी की बात आती है, तो अगर आप सेल्फी लवर हैं तो Redmi Y3 को प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको 32 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। अगर बात करें रियर कैमरा सेटअप की, तो मैं यहाँ पर क्लियरली Realme 3 को प्रेफरेंस दूंगा, क्योंकि Realme 3 का रियर कैमरा का अपर्चर काफी शानदार है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कैटेगरी में, जो कि है परफॉर्मेंस कैटेगरी। परफॉर्मेंस कैटेगरी की बात करेंगे, तो Redmi Y3 के अंदर आपको मिलता है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 632 ऑक्टाकोर प्रोसेसर, जो कि 14 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर काम करता है। वहीं पर बात कर रहे हैं Realme 3 की, तो यहां पर आपको मिलता है मीडियाटेक का हेलियो P70, जो कि 12 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर काम करता है। ये काफी शानदार प्रोसेसर है। इसके अलावा अगर बात करें Redmi Note 7 की, तो यहां पर आपको मिलता है क्वालकॉम का ही स्नैपड्रैगन 660 AI प्रोसेसर, जो कि काफी अच्छा शानदार प्रोसेसर है, 14 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर काम करता है ये प्रोसेसर। अब बात करें इन दिनों में से कौन सा बेस्ट है, तो मैं यहाँ पर दोनों में टाई मानूंगा, लेकिन मैं स्नैपड्रैगन के 660 को ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा। चलिए कंपैरिजन कर लेते हैं तीनों फोनों का अदर कैटेगरीज के अंदर। तो पहले जान लेते हैं तीनों फोनों की बैटरी और चार्जिंग पोर्ट के बारे में। Redmi Y3 के अंदर माइक्रो USB पोर्ट मिलता है और 4000mAh की बैटरी मिलती है आपको। अगर बात करें यहाँ पर Realme 3 की, तो यहाँ पर आपको माइक्रो USB पोर्ट मिलता है और 4230mAh की बैटरी मिल जाती है। अगर बात करें Redmi Note 7 की, तो यहाँ पर आपको 4000mAh की बैटरी मिलती है, साथ ही साथ क्विक चार्ज 4.0 का सपोर्ट मिलता है, और टाइप सी का पोर्ट इसके अंदर यूज किया गया है। अब बात करें कार्ड स्लॉट्स और प्राइसिंग की, तो Redmi Y3 के अंदर आपको ट्रिपल सिम कार्ड स्लॉट मिल जाता है, जिसके अंदर डेडिकेटेड SD कार्ड का स्लॉट होगा, प्राइस होगा 9,999 रुपये का। Realme 3 के अंदर ट्रिपल कार्ड स्लॉट मिलता है, प्राइस है 8,999 का। लेकिन Redmi Note 7 के अंदर जो डिसअपॉइंट करने वाली बात है वो ये कि इसके अंदर हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है और प्राइस है 9,999 रुपये का। चलिए अब बात कर लेते हैं मेरे ओपिनियन की, कि मेरी क्या राय है इन तीनों फोनों के बारे में। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं, अगर आपको इन तीनों फोनों में से कोई एक फोन चूज करना पड़े, तो मैं नो डाउट Redmi Note 7 को ही चूज करूंगा, क्योंकि यहाँ पर आपको तीन चीज़ें ज़्यादा अच्छी मिलती हैं। एक मिलता है प्रोसेसर ज़्यादा अच्छा, चार्जिंग स्लॉट अच्छा मिलता है, क्विक चार्ज 4.0 का सपोर्ट मिलता है, इसके अलावा कॉर्नर गोल्ड ग्लास का प्रोडक्शन दोनों ही साइड है, फोन फ्रंट और बैक साइड। अगर बात करें Redmi Y3 की, तो Redmi Y3 आप तभी लीजिए अगर आप सेल्फी लवर हैं, क्योंकि यहाँ पर ओनली सेल्फी अच्छी है, प्रोसेसर इस फोन का इतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा
आपको Redmi Note 7 के अंदर मिल जाता है। लेकिन अगर आपका थोड़ा सा बजट कम है तो आप Realme 3 के साथ जा सकते हैं, वहाँ पर आपको प्रोसेसर तो अच्छा मिलता ही है, साथ ही साथ आपको रियर कैमरा भी अच्छा मिलता है और यहाँ पर ट्रिपल कट स्लॉट भी मिल जाता है, आप मेमोरी को एक्सटेंड आसानी से कर सकते हो दो सिम लगाने के बाद भी। आपको तीनों फोनों में से कौन सा फोन बेस्ट लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे लाइक और डिसलाइक करके अपना फीडबैक दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।